मिस्टर ओम कोच वाली फीलिंग दे रहा है यार ये तो। ये लोकोमोटिव भी इंडिया का है, WDM3 लोकोमोटिव है ये। ओ भाई साहब वहाँ टर्टल। थैंक यू। ले ले बेटे बेटे खा ले। भाई खा नहीं रहा है, अब क्या हो गया, बुरा मान गया क्या? ले खा ले भाई। अभी सुबह का बज रहा है 9:15 और अभी हम है उनावाटन आ गए अपने हॉस्टल में और यहाँ पर अभी बस ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया हुआ है, ब्रेकफास्ट आने वाला है। ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलेंगे गाले रेलवे स्टेशन के लिए जो कि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है और वहाँ से हम लोग एक बहुत ही खास जर्नी करने वाले हैं एक ट्रेन में, क्योंकि वो ट्रेन जाती है एक ऐसे बीच से होते हुए जहाँ पर टर्टल्स हमको देखने को मिलेंगे। उस बीच का नाम है टर्टल बीच, वहाँ पर बहुत सारे फॉरनर्स आते हैं, सब टर्टल्स के संग खेलते हैं, फोटोज वगैरह लेते हैं, वीडियो वगैरह लेते हैं और वहाँ पर बड़े बड़े टर्टल्स हैं भाई बीच के किनारे ही, ऐसा बीच आज तक हमने नहीं देखा है। तो आज हम लोगों की जो ट्रेन जर्नी होने वाली है वो उसी बीच के लिए होने वाली है। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। तो यह चुका है अपना ब्रेकफास्ट, इसमें हमने मंगाया था एक फ्रेश फ्रूट प्लेटर, प्लेटर आ गया फ्रूट्स का, एक यहाँ पर ये ब्रेड टोस्ट आ गए और साथ में भी एग्स वगैरह भी मंगाए थे तो वो भी आ रहे हैं। फटाफट अब करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर चलते हैं सीधा गाले रेलवे स्टेशन। ये आ चुके हैं भी अपन लोग गाले रेलवे स्टेशन की, रहा रेलवे स्टेशन और ये है एंट्री। अभी सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर लेना होगा टिकट। तो यहाँ पर देखो सामने काउंटर्स तो हैं, ये है थर्ड क्लास वाला काउंटर, थर्ड क्लास पे तो काफ़ी ज़्यादा लाइन लगी हुई है, भीड़ है, लेकिन अपन चलते हैं फिर सेकंड क्लास का जो है टिकट लेते हैं यहाँ पर। ये है सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास का टिकट काउंटर। सेकंड क्लास तो भाई जिस जगह हम लोगों को जाना है वो है हिक्का डुआ नाम से जगह है, वहीं पर है अपना टर्टल भी। हाउ मच भाई? ये रहा सेकंड क्लास का टिकट ले लिया अपन ने जो कि पड़ा है 100 लंदन रुपीज का। तो यहाँ से हो गया अपना टिकट और यहाँ से जाना है हम लोगों को रेलवे स्टेशन के अंदर। ये रहा अपना गाले रेलवे स्टेशन और ये एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है श्रीलंकन रेलवेज का। तो यहाँ पर देखो सारी लाइंस जो हैं आकर एंड हो जाती हैं, ये देखो यहाँ पर एंड हो गई और अपनी ट्रेन बता रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी, मतलब ये इस पे आएगी अपनी ट्रेन। तो 100 लंकन रुपीस का ये टिकट पड़ा है अपन लोगों को सेकंड क्लास का गाले रेलवे स्टेशन से हिक्का डोबा के लिए। इंडियन करेंसी में बात करें तो लगभग 25 रुपये के लगभग बैठता है भाई, बहुत मतलब सिर्फ 25 रुपये में हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन जगह जाने वाले हैं। डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 18 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है गाले से हिक्का डोबा के लिए, लेकिन भाई जर्नी छोटी हो रही लेकिन जो डेस्टिनेशन है इस जर्नी की वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। खैर अभी तो अपनी ट्रेन में थोड़ा समय है, 10:05 पे अराइवल है यहाँ पे और करीब 10:25 20 या 25 मिनट पे यहाँ से डिपार्चर है। 15-20 मिनट यहाँ ट्रेन रुकती है क्योंकि रिवर्सल होना पड़ता है यहाँ पे इस ट्रेन को, क्योंकि यहाँ ऑल लाइंस आर एंडेड। आपको पहले ही बताया हमने स्टेशन में एंटर होते हैं, टर्मिनल रेलवे स्टेशन है ये श्रीलंकन रेलवे का। तो भाई ये आ गई अपनी ट्रेन, लियो अराइवल ले रहे थे यहाँ पर खड़े होकर लेकिन ट्रेन वहीं पर रुक गई। क्यों रुक गई उसका चक्कर ये है, ओके ना, क्योंकि यहाँ पर ये देखो ट्रैक एंड होते हैं ना तो यहाँ पर अब लोकोमोटिव निकल के आएगा और फिर वापस जाएगा, ये चक्कर है इसलिए वहीं पर रुके। चलो लगेज उठाते हैं, चलते हैं अब सेकंड क्लास की तरफ। तो ये है भाई इस ट्रेन का सेकंड क्लास, यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2। चलते हैं अंदर, सामने ही वॉशरूम है इसका तो। और ये है अपना सेकेंड क्लास जो कि हम आपको पहले भी जर्नी में काफ़ी बार दिखा चुके हैं। और ये चलो ये वाली सीट खाली है, विंडो वाली सीट है, यहीं बैठते हैं आराम से। भाई अभी यहाँ पर बैठने वाले थे, हो गई गड़बड़, ये ट्रेन वो नहीं है जिससे हम लोगों को जाना है। अभी यहाँ पर कुछ अन्ना लोग, इन लोगों से पूछा, इन लोगों ने बताया आप सब आचर है भाई। सो आई बोर्डेड रॉन्ग ट्रेन राइट, थैंक यू। चलो भाई चलते हैं वापस से बाहर, अब देखते हैं अगली ट्रेन का। भाई अभी हो गई गड़बड़, देखा आपने क्या हुआ, गलत ट्रेन में हम चढ़ गए। वहाँ पे लोगों से मतलब एक वहाँ पर एक आदमी था उससे हमने पूछा, वो कहता हाँ ठीक है यही जाएगी कोलंबो के लिए, कोलंबो जाती है जो ट्रेन उसी रूट पे अपना रेलवे स्टेशन हिक्का डुआ पड़ेगा, वहाँ पर अपन को उतरना है। तो हमने ठीक है भाई हम चढ़ गए, जब वहाँ चढ़ गए लगेज वगैरह रख दिए उसके, हमने एक दो लोगों से हमने चलो एक बार कन्फर्म कर लेते हैं क्योंकि अलग जगह है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन वगैरह का नाम वगैरह कुछ लिखा नहीं था, अनाउंसमेंट हो रही थी वो हमें समझ आई नहीं। तो हमने पूछा तो उन्होंने बताया नहीं भाई सर ये तो और कहीं जा रही है और ये हमारे साथ हुआ, एंड दीज आर फ्रॉम ब्राज़ील राइट, हेलो। तो भाई ये लोग भी चढ़ गए थे गलती से सीटें, यू ऑल्सो बोर्डेड रॉन्ग, वी डिड द सेम, इन लोगों ने सेम किया। चलो खैर अभी तो थोड़ा वेट करना होगा, ये ट्रेन निकलेगी उसके बाद अपनी ट्रेन आएगी। तो फाइनली भाई ये आ गई अपनी ट्रेन, अब टाइम देखो 10:40 हो गया है, 35 मिनट की देरी से आई है अपनी ट्रेन, 10:05 पे आना था इसको यहाँ पर। तो वैसे इस ट्रेन में पीछे की साइड भी सेकंड क्लास का कोच लगे हुए थे 2 और वहाँ पर हम बोर्ड कर रहे थे तो वहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं थी, सीट खाली नहीं थी, लेकिन फिर हमको एक वेंडर ने बताया कि आगे साइड चले जाओ यहाँ पर एक कोच है और उसमें सीट मिल जाएगी, यहाँ आए तो भाई यहाँ सीट भी मिल गई। तो ये अपना सेकंड क्लास का कोच और एक चीज़ दिखाते हैं यहाँ पर, ये गेट और ये देखो यहाँ पर एक ये वाला गेट दिया है और यहाँ पर आ गया अपना लोकोमोटिव, यहाँ होगी कपलिंग,
ये देखो एकदम बगल से बिल्कुल विस्टाडोम कोच वाली फीलिंग दे रहा है यार ये तो। यहाँ पर ये देखो भाई एक छोटा सा शंटिंग लोकोमोटिव यहाँ का क्लास वाइज एकदम डिफरेंट लोकोमोटिव है। पूरी श्रीलंका में हमको ये अभी तक एक ही देखने को मिला है। ओके यहाँ पर अब अपनी होने वाली है कपलिंग। ओहो भाई साहब तगड़ा झटका मारा। तो भाई ये जो लोकोमोटिव है इसको देख के समझ रहे हो कहाँ का है। ये लोकोमोटिव भी इंडिया का है, WDM-3 लोकोमोटिव है ये। देखो अभी फ्रंट से दिखाते हैं थोड़ा तो आपको याद आएगा। ये देखो इसका यहाँ पर नाम चेंज किया है, रीनेम करके क्लास M8 कर दिया है, लेकिन ये है WDM-3 लोकोमोटिव अपने इंडियन रेलवेज का जो कि अब श्रीलंकन रेलवेज में सर्विस दे रहा है। तो ये लो भाई भी चल रहे हैं लोकोमोटिव के अंदर। तो ये लो भाई अब हम लोग पहुंच चुके हैं हिक्का डुवा रेलवे स्टेशन और
ये था अपना WDM3 लोकोमोटिव जिसमें हम लोगों ने करी जर्नी, और ये लो जाने को तैयार अपनी ट्रेन यहाँ से। व्हाट अ अमेजिंग लोको राइड। ये देखो यार मजा आ गया, मजा। ओफो भाई साहब ये देखो, तो अभी सुबह का 11:30 बज चुका है और हम लोग पहुंच चुके हैं हिक्का डोबा रेलवे स्टेशन। और भाई साहब अनएक्सपेक्टेड था भाई ये लोको राइड, क्या जबरदस्त लोको राइड था। पूरा जो है चगिंग वगैरह आपको कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन ये जर्नी, ये ब्लॉग अभी यहीं एंड नहीं होता। निकले थे हम लोग ट्रेन में जर्नी करने के लिए, लेकिन भाई साहब किस्मत में थी लोको राइड, तो फाइनली श्रीलंकन रेलवेज में हम लोगों ने लोको राइड भी ले ली, जो कि बहुत अमेजिंग थी, मज़ा आ गया। आपको कैसा लगा है कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, हिक्का डोबा रेलवे स्टेशन है, यहाँ से 1.2 किलोमीटर की दूरी पर है टर्टल बीच, वहाँ पर भाई टर्टल्स और एक्सपीरियंस करना है। ये व्लॉग ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल जा चुका है, चलो फटाफट यहाँ से निकलते हैं टर्टल बीच के लिए। यहाँ से टुक टुक वगैरह ऑटो वगैरह जो होता है ना वो लेके सीधे चलते हैं टर्टल बीच और इस व्लॉग को और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल बना देते हैं। अभी आ चुके हैं हिक्का डोबा रेलवे स्टेशन के बाहर और यहाँ पर जो रेलवे का स्टाफ था हमने उनसे पूछा कि कुछ यहाँ पर लगेज रूम या फिर मतलब क्लॉक रूम वगैरह अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर दो दो बैग थे और उनको बीच पर लेके जाना फिर लेके आना वो थोड़ा सा दिक्कत वाली चीज़ लग रही थी। तो उनसे पूछा तो उन्होंने जो है ना अपना जो पार्सल रूम होता है उसमें ही हमारा लगेज रखवा दिया, बढ़िया से लॉक कर दिया। और हमने पूछा कोई चार्ज, तो कोई चार्ज नहीं है भाई, लोग यहाँ के श्रीलंका के बहुत ज़बरदस्त हैं, सही बता रहे हैं। अभी लोको पायलट वगैरह जो थे उनसे भी बातचीत हो रही थी, वो भी बहुत ज़बरदस्त थे। डेली हमको नए नए लोग यहाँ पर मिलते हैं जो कि एक से बढ़कर एक मतलब मस्त लोग हैं। ठीक है चलो अब यहाँ से टुक टुक लेके चलते हैं अपन लोग सीधा। तो अभी यहाँ पर टुक टुक लेके हम लोग निकल चुके हैं बीच के लिए और एक गड़बड़ फिर से हो गई यहाँ पर भाई, अब बारिश होनी शुरू हो गई यार। अब बीच पे जा रहे हो और बारिश हो जाए तो वो गड़बड़ सीन हो जाता है। सभी टर्टल बीच के पास पहुंच गए, उस साइड है टर्टल बीच और ये अपने टुकटुक वाले भाई साहब इनको जाना पड़ा खुले पैसे लेने के लिए। क्या हुआ, हमने इनको 5000 लंकन रुपीस का नोट दे दिया, इनके पास खुले नहीं थे, तो इनको भाई साहब बैंक जाना पड़ा। यहाँ पे ये रहा एक कोई बैंक, इनको बताओ खुले पैसे लेने के लिए बैंक जाना पड़ गया। फाइनली हम पहुंच चुके हैं टर्टल बीच पर और अब यहाँ पर हमको एक काम करना है कि यहाँ पर टर्टल्स को ढूंढना है, क्योंकि यहाँ ऐसे तो मिलेंगे नहीं कि कहीं भी घूम रहे हैं वो, तो उनको वो शायद उस साइड को होंगे, तो उधर चल के अपन को देखना पड़ेगा। बारिश ने यार पूरा बर्बाद कर दिया यहाँ आना सही में। एक तो क्या हुआ, हम लगेज वहाँ रखा है तो उसमें हमारा छाता था वो वहीं छूट गया, अब ये समस्या हो गई। चलो अब चलते हैं, थोड़ा बहुत भींगेंगे तो भींगेंगे, क्या कर सकते। ये है नज़ारा टर्टल बीच का भाई साहब, बड़ा ज़बरदस्त लगा यार हमको ये देख रहे हो, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लग रहा है बीच तो देखने में। ये देखो लहरें बहुत शानदार आ रही हैं भाई। अभी पता लगा है कि टर्टल्स जो है ना वहाँ पर मिलेंगे अपन को, और ऑनलाइन भी अभी हमने देखा तो उसी एरिया में शो हो रहे हैं टर्टल्स। बाकी ये रहा बीच, बारिश हो रही है और यहाँ फॉरेनर्स वगैरह सब नहा रहे हैं मस्त। अभी ये अंकल हमको मिले हैं, ये लेके जा रहे हैं, कह रहे इधर पे है टर्टल, चलो चल के देखते हैं। टर्टल दिस वे, ओ भाई साहब वहाँ है टर्टल। थैंक यू। तो भाई यहाँ पर ये जो अंकल थे ना इनसे हमने ले लिया है टर्टल का खाना, ये रहा ये देखो। पहले हमसे बोल रहे थे 2500 लंकन रुपीस, 2500 लंकन रुपीस का है ठीक है, उसके बाद हमने बार्गेनिंग करी तो 500 लंकन रुपीस में देखे गए, समझ लो भाई 2500 से 500 में आ गए। बाकी अभी शूज़ वगैरह निकाल दिए हमने, यहाँ पर रख दिए हैं, पानी की बोतल भी यहीं छोड़ के जाते हैं। और ये रहा टर्टल का खाना। तो भाई ये देखो बीच बड़ा ही शानदार है, बड़ा खूबसूरत बीच है, ये देख रहो बहुत ज़बरदस्त। अब बस ये रहा टर्टल का खाना, यहाँ पर घूम रहे हैं टर्टल, इनको खिलाते हैं। तो भाई ये घूम रहे हैं टर्टल्स, ये देखो अंदर में ठीक है, अब इनको जो है खाना खिलाना है। अभी कैसे होगा हमें नहीं पता, ट्राई करते हैं कुछ। बहुत बड़े बड़े टर्टल्स हैं भाई, और ये देखो लहरें इतनी ज़ोरदार आ रही हैं, अभी हम लगता है पूरे कपड़े भींगने वाले हैं हमारे। खा ले बेटे,
यहाँ पर अभी एक और अन्ना मिले हैं। हेलो अन्ना। हेलो ना सीरी। या तो ये हमको लेके जा रहे हैं अभी शार्क दिखाने। भाई साहब यहाँ पर जा रहे हैं हम लोग शार्क देखने। बेबी शार्क, इट विल बाइट मी और नॉट? नो बाइट। ओके ओके। तो भाई ये है यहाँ का खूबसूरत समुद्र और यहाँ पर अब हम लोग जा रहे हैं शार्क देखने। यार यहाँ का पानी देख रहे हो कितना एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है। ये देखो नीचे का एकदम क्लियर दिख रहा है। व्हाट इज दिस? सी एजेंट्स। Japanese people very happy can eat the mouth. No, I don't want to eat this. No, not eat, take a photo. Yes, okay, done. Oh. Shark नहीं दिखी भाई अभी तक यहाँ पर। हमें लगता है वो आगे की साइड होगी इसलिए यहाँ पर दिख नहीं रही है। सो भाई अभी वहाँ पर गए थे इन अंकल के साथ में, कोई शार्क वगैरह देखने को नहीं मिली। दिखती है लेकिन दूर दूर दिखती है। तो भाई ये अपने चक्कर में हमसे कह रहे हैं 500 रुपये दे दो हमें। हमने हेल्प करी, हमने भाई हमने आपने क्या किया, हमने दिखी नहीं शार्क। दिखती भी अलग उधर जाके तो भी समझ आया उतनी दूर गए पैर में और लग गई हमारे, उधर पे पत्थर वगैरह थे। हम वापस आकर नहीं रहने दो भाई, शार्क रहने दो, हम तो टर्टल में ही खुश हैं। तो बाकी चलो आपको कैसी लगी है ये जर्नी, ये लोकेशन कैसा लगा, ये सब कुछ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना यार। व्हाट एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। कभी भी लंका आ रहे हो, श्रीलंका आ रहे हो तो ये एक्सपीरियंस करना कभी मत भूलना। सारी चीज़ें हमने आपको दिखा दी। कोलंबो से भी आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी यहाँ के लिए। तो चलिए आज के इस जर्नी को, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं फिर आपसे बहुत ही जल्दी एक और जर्नी का ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर मेंशन हो रही है, वहीं फॉलो कर सकते हो।